Assalamu alaikum. Hope that everyone will be fine. Today's topic related about derivative of x square by first principle. ये हम लोगों ने x square का derivative मालूम करना है by first principle या first step of differentiation या by definition of principle. So let करेंगे y is equal to x raised to the power 2. ये quadratic equation है या quadratic function है x square. सबसे पहले step differentiation का adding increment both sides. ये सबसे पहला स्टेप है तो y plus delta y is equal to x plus delta x अभी whole raised to the power 2 आएगा. दूसरा स्टेप subtracting y on both sides तो y plus delta y minus y is equal to x plus delta x raised to the power 2 minus y. अभी यहाँ पे y plus और y minus दोनों cancel हो जाएंगे तो आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू अभी यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर टू प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो एक्स स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर टू प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स. अभी थर्ड स्टेप है डिवाइड बाई डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा डेल्टा एक्स रेज टू पावर टू प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स फिर होल डिवाइडेड बाई टू. अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करके तो ये कैंसिल भी हो जाता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा और फिर प्लस टू एक्स आ जाएगा. टू एक्स के साथ जो डेल्टा एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. फोर्थ स्टेप है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो. ये जो इंस्टेंटेनियस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेरिवेटिव के डेफिनेशन में इसका मतलब ही यही है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो जो चेंज है वो हम लोग जीरो के अप्रोच लेते हैं. दोनों साइड मैंने लिमिट लिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स. जहाँ पे डेल्टा एक्स है वह की जगह वह पर जीरो पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू. तो यहाँ पे राइट साइड में मैं अगर डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट करूँ तो इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स आ जाएगी. अभी ये हम लोगों को मालूम हो गया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है. यह से हम लोग एक नतीजा अखज कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक या इसको पावर रूल भी कहते हैं कि जहाँ पे भी फंक्शन कोई भी फंक्शन उसका भी जो भी पावर दिया होगा या फिर मैंने फंक्शन एन एक्स कंसिडर किया और उसका पावर एन कंसिडर किया तो इसका डेरिवेटिव इस तरह बनेगा कि जो भी पावर है वो नीचे आएगा और पावर से एक एक माइनस होगा यानी डी एक्स रेज टू पावर एन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन. पहले एन था अभी एन से एक माइनस होगा. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हैविंग एक्सपोनेंट एन यानी उसका पावर एन है विल बी इक्वल टू द पावर एन एन टाइम्स यानी टाइम मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शन जो भी फंक्शन है उसका जो इंडेक्स या पावर होगा एन माइनस वन होगा. या वहाँ पे टू एक्स था टू नीचे आ गया एक्स रेज टू द पावर एन की जगह टू पुट किया टू माइनस वन तो क्या आ जाएगा टू एक्स ही आ जाएगा.